तो नाजरीन, इस वक्त हम आपको एक ख़ास चीज़ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। हेंगो के ऊपर जंगल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे चश्मे का पानी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ शकील भाई और आसिफ भाई यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चश्मा है, यहाँ पे चश्मा निकला हुआ है और यहाँ से पाइप के थ्रू आप ये पाइप देख सकते हैं। पाइप के थ्रू यहाँ से नौशहर तक यहाँ इसको ले गया है। अच्छा शकील भाई, ये आवाम ने खुद बनाया है या क्या सीन है यहाँ पे? ये है कि किसी एनजीओ से इसको ताउन किया है, उसके साथ जो आवाम ने वहाँ तक जो खोद के लिया ले गया है। यहाँ से तक जितना तकरीबन पहला जो है 6 फुट तक खुदाई की है, उसके बाद जो जितना हाइट कम होते जाए इतना वो खुदाई कम करते जाए ताकि वो गर्मी सर्दियों में बर्फ में जम जाए। से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तक होगा यहाँ से नौशहर तक। असिफ भाई क्या कहेंगे इस तरह जो है ना जगहों पर चश्मे निकलना? माशाल्लाह यहाँ से प्योर है, मतलब दूसरी जगहों पे मैंने देखा कि जिस रेत वगैरह जो मिक्स हो गया था, यहाँ की जो पानी है बिल्कुल प्योर है। शकील भाई का कहना है कि गुर्दे के जो बीमार होते हैं ना, मैदा वगैरह का जो तकलीफ होते हैं, जो मरीज होते हैं उनके लिए ये पानी ऐसे प्योरिटी का जरूरत है, जैसा निचले पानी वगैरह इस्तेमाल करना, इसी तरह यहाँ मेन जी नौशहर के जो आवाम है यहाँ से लेकर जाते हैं। बिल्कुल, तो माशाल्लाह से बहुत ही अजीम नियामत है। बिल्कुल। और चले हम यहाँ पे पानी को टेस्ट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ और शफाफ पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई इस पानी को पीने के बाद मुंह में अल्हम्दुलिल्लाह ही आते हैं, और क्योंकि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नियामत है। तो ये हेंगो ब्लॉक जंगल में है और यहाँ पे चश्मा था यहाँ पे, तो हमारा मकसद है कि आपको इन चीज़ों को दिखाना। ये देखिए और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मनाजिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत से चश्मा था जो कि पानी यहाँ से नौशहर तक जाता है। तो देखते रहिएगा, बहुत शुक्रिया।